शाहरुख खान की जवान फिल्म का प्रीव्यू रिलीज हो गया है। जवान प्रीव्यू देखकर पब्लिक पगलाई है। जरा सोचिए, जवान प्रीव्यू इतना फाड़ू है तो फिल्म की कहानी कितनी धांसू होगी। कहानी से याद आया, जवान फिल्म की कहानी तो लीक हो गई है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। जवान में शाहरुख खान का डबल रोल है, एक वो है जो विलन है और एक वो है जो हीरो है। शाहरुख खान का पट्टी बंधा हुआ टकला वाला किरदार विलन है और पुलिसमैन वाला किरदार हीरो है। दोनों के बीच एक रिश्ता है, पिता और बेटे का रिश्ता, लेकिन दोनों को ही ये बात मालूम नहीं है कि वो बाप बेटे हैं। सिर्फ इतना मालूम है कि वो एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं या पकड़ना चाहते हैं। पट्टी वाला शाहरुख खान पिता है और पुलिस वाला बेटा है। जवान प्रीव्यू में एक सीन है जिसमें स्पेशल फोर्सेस के लोग सेना के शहीद जवानों को आखिरी विदाई दे रहे हैं। शायद ये वही सीन है जिसमें शाहरुख खान के पिता वाले किरदार को भी शहीद मान लिया गया है, लेकिन वो मरा नहीं है। उसने अपने मिशन को पूरा करने के लिए लड़कियों की एक फौज तैयार की है और वो उनकी मदद के साथ क्राइम कर रहा है। शाहरुख खान का विलन वाला किरदार पहले आर्मी मैन था। उसने कुछ ऐसे मिशन किए जिसकी वजह से वो देश का दुश्मन साबित हो गया। इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पुलिस अफसर का रोल कर रहे शाहरुख खान को जिम्मेदारी दी जाती है। पुलिस वाला शाहरुख खान एक्स आर्मी कम क्रिमिनल शाहरुख खान को पकड़ने के मिशन में लगता है। नयनतारा पुलिसमैन की लवर है और दीपिका पादुकोण विलन की लवर थी जो किसी हादसे में मर गई थी। प्रीव्यू में भीड़ के सामने जो बच्चा दिखाया गया है वही बड़ा होकर पुलिस अफसर वाला शाहरुख खान बनता है। विलन का रोल कर रहे शाहरुख खान ने अपने पूरे शरीर में पट्टी इसीलिए बांधी है क्योंकि वो एक हादसे में जल गया था। ये था जवान का कंसेप्ट। अब पूरी कहानी जानने के लिए आपको 7 सितंबर का इंतज़ार करना पड़ेगा। धन्यवाद।